नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रेरणा संवाद। मैं हूं पल्लवी। आइए जानते हैं आज के प्रमुख समाचार फटाफट। विश्व संवाद केंद्र काशी द्वारा आयोजित आद्य पत्रकार देवर्षि नारद जयंती एवं पत्रकार सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह सरकार्यवाह डॉक्टर मनमोहन वैद्य ने कहा, उत्तम पत्रकारिता का उद्देश्य भारत की संस्कृति एवं भारत की मौलिकता को बनाए रखना है। समाज के ताने बाने को बनाए रखना और समाज को सही दिशा देना ही वास्तविक पत्रकारिता है। अयोध्या में बढ़ते तीर्थयात्रियों को देखते हुए सरकार ने लिया बड़ा निर्णय। अब अयोध्या वासियों के घरों में ठहरेंगे तीर्थयात्री। 98 घरों को किया गया है चिन्हित। भवन स्वामियों पर लागू होगी पेइंग गेस्ट योजना की शर्तें। आगरा के मलपुरा में खुदाई के दौरान मिली शिव पार्वती की 400 वर्ष प्राचीन प्रतिमा। लोगों ने आरंभ की पूजा अर्चना। बीआरओ ने अपने 64वें स्थापना दिवस के अवसर पर बद्रीनाथ हाईवे पर पांडुकेश्वर में खोला अनूठा कैफे। यहां तीर्थयात्रियों के खाने की होगी उचित व्यवस्था। बीआरओ ने कहा, 75 और जगहों पर खोलेंगे कैफे। भारतीय डिजिटल क्रांति की संयुक्त राष्ट्र संघ ने की प्रशंसा। कहा, डिजिटल क्रांति में भारत अग्रणी। उसकी वित्तीय समावेशन यात्रा दूसरों के लिए मिसाल। यूपी के गाजीपुर के सुनील ने 45 डिग्री सेल्सियस तापमान में सेब उगाकर किया कमाल। बोले, सेब की ये प्रजाति गर्मियों में देगी फल। रूस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय वुशु प्रतियोगिता के फाइनल में वाराणसी के सूरज ने एक तरफा मुकाबले में स्वर्ण पदक जीतकर बढ़ाया देश का मान। 70 किलोग्राम भार वर्ग में रूस के खिलाड़ी को किया चित। मेरठ की पारुल ने लॉस एंजल्स साउंड रनिंग ट्रैक फेस्टिवल 2023 में किया हैरतअंगेज प्रदर्शन। 15 मिनट में पूरी की 5000 मीटर की दौड़। बनाया नया कीर्तिमान। उत्तराखंड के राजकीय फूल बुरांश से बने जूस में छिपा है सेहत का खजाना। दिल से लेकर लिवर तक को रखता है स्वस्थ। जूस बनाकर स्थानीय लोग कर रहे हैं अच्छी खासी कमाई। महिलाओं ने संभाला केदारनाथ यात्रा मार्ग पर टेंट का व्यवसाय। प्रस्तुत किया स्वरोजगार का नया उदाहरण। अलग अलग गांव की 20 से अधिक महिलाएं कर रही हैं इन टेंट का संचालन। आज के समाचारों में बस इतना ही। हम फिर लेकर आएंगे कुछ नए समाचार। तब तक के लिए नमस्कार।